इसमें देखिए जिस हिसाब से श्रद्धालुओं की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है और अभी तक मंदिर परिसर में जाने के लिए और आने के लिए सिर्फ एक रास्ता है, पुल के माध्यम से हम लोग जाते हैं। तो अभी हम लोग अपनी टीम के साथ आए हैं, पूरा सर्वे किया है। फिलहाल हम टेम्परेरी व्यवस्था ये करने जा रहे हैं कि एक वैली ब्रिज हम यहाँ पर कास्ट कर देंगे ताकि आने और जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए एक अलग से रास्ता बने और भीड़भाड़ की स्थिति न हो। और शिप्रा नदी में जितने लोग स्नान करने आ रहे हैं हम लोगों ने उसमें प्रतिबंधित किया है क्योंकि गंदगी बहुत ही फैला रहे हैं। और प्राइवेट जितने पार्किंग वाले हैं वो जो प्राइवेट लोग हैं स्टेक होल्डर्स हैं उनसे हम लोगों ने रिक्वेस्ट की है, वो भी अपना पार्किंग वगैरह डेवलप कर रहे हैं। और फ्यूचर में जो डेवलपमेंट का प्लान है माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमेशा बार बार इस पर जोर दिया है कि एक तो बाईपास का निर्माण करना है और साथ ही साथ एक यहाँ पर कैंची का एक मास्टर प्लान बना के मास्टर प्लान के तहत इसको डेवलपमेंट करने की बात आ रही है। तो उसमें हम लोगों ने अपना होमवर्क किया है और धीरे धीरे उस मास्टर प्लान के तहत ही हम लोग इसको कर रहे हैं। सर, भीड़ बढ़ने के साथ अनियमितताएं भी बढ़ गई हैं, रेट लिस्ट को लेके काफ़ी वो है, तो क्या इस पर थोड़ा लगेगी लगाम? नहीं, इसमें अभी SDM को हमने निर्देशित किया है कि जितने होम स्टे संचालक हैं अभी तक लगभग 30 के करीब यहाँ पे होम स्टे संचालक हैं जो रजिस्टर्ड हैं, उन लोगों से भी हम लोगों ने मीटिंग कर ली है उनको और एहतियात के तौर पर हमने बता भी दिया है जो भी होम स्टे संचालक अगर होम स्टे चला रहा है तो अपना रेट लिस्ट पहले से डिस्प्ले करेगा। इवन खाने पीने के सामानों में भी अपना रेट लिस्ट वगैरह सारे डिस्प्ले करेंगे। अगर अनियमितता देखी जाती है, ओवरचार्ज करते हैं, लोग गाइड करते हैं, तो ऐसी दशा में फिर होम स्टे संचालकों के खिलाफ हमको कार्रवाई करनी पड़ेगी।